आपको बता रहे हैं, शबो रोज खून पसीना एक करके मेहनत से रोजी कमाने वालों के आलमी दिन पर भी मजदूरों की बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में सरकर्दा है। उनका क्या कहना है, मरियम हसन इस बारे में मजीद बताएंगी। मरियम बताइएगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, आज दुनिया भर में आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। शदीद गर्मी है इस वक्त, इस तरीके से जो है मजदूरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे हम जान लेते हैं। आप हमें बताइएगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रही है, और आज चूंकि यकुम मई है और यकुम मई को पूरे दुनिया में छुट्टी दी जाती है, आप क्यों नहीं छुट्टी कर रहे हैं? हम छुट्टी कैसे करें, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम तो नहीं है। छुट्टी तो गवर्नमेंट के मुलाजिमों के लिए है, हम तो गवर्नमेंट के कागजों में नहीं है। हम तो गवर्नमेंट के काम में उस टाइम आते हैं जब उनके वोट का टाइम हो, वोट लेने के लिए उनको घर भी नज़र आ जाएगा, मजदूर भी नज़र आ जाएगा। अभी हम किसी की नज़र में नहीं आएंगे। गाड़ी तो 1200 रुपये मिल जाती है, वो भी फ्री है, कभी कोई आता है कभी नहीं आता। ये भाई मजदूरी करते हैं, कुछ दाल रोटी अल्लाह पाक चला देता है, उसी के ऊपर गुजारा करते हैं। उनका यही कहना है कि मजदूरों के आलमी दिन से उनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।